तरह से मैनुअली गेट मैन के द्वारा यहाँ फाटक बंद किया जाता है और इसी तरीके से सात जगह पूरी जर्नी में फाटक बंद। तो हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज हम लोग की जर्नी बहुत ही स्पेशल ट्रेन में होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 09501 बिली मोड़ा बागई नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन में। ट्रेन को फर्स्ट सर्विस दिया गया था इन द ईयर 1913, मतलब आज से लगभग 108 साल पहले। कोविड के बाद इस ट्रेन की सर्विस को बंद कर दिया गया था और आज से इस ट्रेन सर्विस को फिर से स्टार्ट किया गया है। मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये ट्रेन रोजाना सुबह 10:20 में बिली मोड़ा जंक्शन से निकलती है और आपको दोपहर 1:20 पे वागई पहुंचाती है। सो तो लगभग हम लोग इस ट्रेन से 63 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 9 हॉल्ट के साथ 3 घंटे में। अगर मैं इस ट्रेन की लोकोमोटिव की बात करूं तो इस ट्रेन में लोकोमोटिव है प्रताप नगर का ZDM5 डीजल लोकोमोटिव, और आप देख सकते हैं लोकोमोटिव को कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये रहा, और ये है लोकोमोटिव का फ्रंट व्यू। अगर मैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की बात करूं तो ये हेरिटेज ट्रेन 4 जनरल क्लास और 1 विजडाडोम कोच के साथ चलती है, और हम लोग की जर्नी आज होने वाली है विजडाडोम कोच में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूं जनरल क्लास का इंटीरियर। तो ये है जनरल क्लास का इंटीरियर, जिसका सीटिंग कैपेसिटी है 32, और आप देख सकते हैं ऊपर लगेज रखने के लिए स्पेस दिया गया छोटा सा। और ये देखिए, कुछ पैसेंजर अपना बैग वगैरह रख के बाहर में अभी फोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं, और ऊपर देखिए फैन है। लेकिन जनरल क्लास में आपको बाथरूम देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये है इंटीरियर। तो अब हम लोग आ चुके हैं विजडाडोम कोच में और इसी में हम लोग की जर्नी होने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ विजडाडोम कोच का इंटीरियर। सो गाइस, तो ये है नैरो गेज ट्रेन का पहला विजडाडोम कोच, और देखिए इंटीरियर आप देखिए। अगर मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो 15 लोग बैठ सकते हैं इसमें आराम से, और इधर आप देख सकते हैं ये देखिए इधर 6 टन का। चली गाड़ी बुला रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। सो गाइस, तो देखिए हर बर्थ के लिए दिया गया चार्जिंग सॉकेट, और ये है सीट, मैं बैठता हूँ, और ये रहा लेग रेस्ट, और ये रहा बोतल होल्डर, और ये रहा ट्रे। यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड और राइट साइड बड़े बड़े आप मिरर देख सकते हैं, और पीछे आप देख सकते हैं वो बड़ा सा मिरर लगा हुआ। सारा पैसा तो उसी चीज का है, क्योंकि पीछे से जो नजारा मिलने वाला है भाई साहब, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाने से पहले आप देख सकते हैं सामने एसी लगा हुआ है 6 टन का, और इधर भी एक एसी रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं वॉशरूम कैसा है ये नैरो गेज विजडाडोम कोच का। सामने देखिए वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, और वॉशरूम में जाने से पहले देखिए यहाँ पे एक्सटिंग्विशर रखा गया है, डस्टबिन है, और इधर देखिए वाटर डिस्पेंसर और लिक्विड सोप इसमें रखा गया है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, यहाँ फैन भी है, मिरर भी है, और देखिए एसी का रिमोट यहीं पर रखा हुआ है। अंदर जो एसी चल रहा है ना, उसका रिमोट यहीं पे है। अब चलते हैं अंदर वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में। वॉशरूम में आते ही आप सामने देख सकते हैं मिरर, ये वाटर डिस्पेंसर, पानी वगैरह आ रहा, प्यारा सा सिंक है, यहाँ सोप होल्डर है, लिक्विड सोप है, टॉवल होल्डर है, और यहाँ रूम फ्रेशनर, और ये रहा एग्जॉस्ट, और यहाँ भी एक होल्डर दिया गया है। तो वॉशरूम तो काफी लाजवाब है। सो गाइस, तो अपनी ट्रेन 5 मिनट डिले बिली मोड़ा से निकल चुकी है, और आज पहला दिन था, इस वजह से ट्रेन शायद 5 मिनट डिले निकली है। राजू भाई, नरेश, राजू भाई लोग रही गया है। ना साहब, ना पाए, ना पाए। अच्छा विजय, कितना टाइम आने के मालूम हो तो ध्यान देता मैंने।
रौनक तो अभी चल रही है अभी। रौनक देखी तो मेरे को भेज जाए तो आउट हो गई तो। हाँ जी, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पहला हॉल्ट गन देवी, जिसका स्टेशन कोड है GNV। और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और गन देवी पड़ता है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे अपने लोकोमोटिव को पूजा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग आ चुके हैं विजय डुमको से गार्ड ब्रेक वैन में, और पूरी जर्नी में टोटल मतलब ये मोड़ा से वागई के बीच में टोटल 66 फाटक है, लेकिन उसमें से 7 ऐसा फाटक है जिसे गेटमैन के द्वारा मैनुअल तरीके से खोला जाता है। तो किस तरह से खोला जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले फाटक में, तो तैयार रहिएगा देखने के लिए। तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट चिखली रोड रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे भी पूजा वूजा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे भी नारियल फोड़ा जा रहा है लोकल लोगों के द्वारा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, तो अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट रन हुआ, और यहाँ भी इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन आज पहले दिन चल रही है तो हर जगह ट्रेन डिले से पहुंच रही है, और 2 मिनट के जगह 5 मिनट या 10-10 मिनट के लिए रुक रही है। और लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, लोकल लोगों का, मैं आपको दिखाता हूँ, देख के मजा आएगा।
के लिए। यहाँ के लोकल लोगों में काफी उत्साह है और जितना जगह ट्रेन रुक रही है हर जगह नारियल फोड़ा जा रहा है, लोको पायलट का स्वागत किया जा रहा है, फूल माला दिया जा रहा है। देखिए अब तो देख सकते हैं आप किस तरह से मैन्युअली गेटमैन के द्वारा यहाँ फाटक बंद किया जाता है और इसी तरीके से सात जगह पूरी जर्नी में फाटक बंद किया जाएगा। आइए आइए, रुक जाइए रुक जाइए। तो यहाँ पे फाटक बंद कर दिया गया है, अब ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। पीछे अब हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट उन्हीं, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और पूरी जर्नी में ये इकलौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन अभी ना अपनी ट्रेन 1 घंटा डिले चल रही है क्योंकि बहुत सालों के बाद ये ट्रेन दोबारा चल रही है, ये हेरिटेज ट्रेन। लोगों में काफी उत्साह है, जहाँ भी ट्रेन रुक रही है ना वहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा लोको पायलट को स्वागत किया जा रहा है, नारियल फोड़ा जा रहा है। आप देखिए उत्साह देखिए लोकल लोगों का। गाड़ी में जाए ट्रेन में मानता नहीं।
तो उन्नई रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ है, यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं जिन्हें स्वागत करने का मौका नहीं मिला लोको पायलट को, न ही नारियल फोड़ने का मौका मिला। तो वो क्या कर रहे हैं, ट्रैक के आगे बैठे हुए हैं, बोले जब तक हम नारियल नहीं फोड़ेंगे तब तक ट्रेन नहीं जाएगी, धरना दे रहे हैं। तो लगभग आधे घंटे से अपनी ट्रेन यहाँ रुकी हुई है, जबकि यहाँ पे अपनी ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट था और यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं क्रेडिट लेने में। दो पार्टी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मौका मिला नारियल फोड़ने का, स्वागत करने का, तो क्रेडिट के चक्कर में अब देखिए अब धरना दे रहे हैं। अब हमको उधर से रिटर्न भी आना था इस ट्रेन में, ट्रेन पकड़ के मुझे मुंबई निकलना था। मुझे तो लग रहा है ऐसा ना हो कि मेरी ट्रेन छूट जाए, ट्रेन ऑलरेडी 1.5 घंटा डिले हो चुकी है। तो यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर मिले हैं, क्या नाम हुआ भाई? राज पांडे। कहाँ से हो? दिल्ली मोड़ा। दिल्ली मोड़ा से हैं। हाँ। और ये भी साथ में ही जर्नी कर रहे हैं लेकिन सेकंड सीटिंग में है। हाँ। तो ये बताइए आप उन्नई के बारे में कुछ स्पेशल। उन्नई में मतलब एक माता जी का यहीं पे फाटक के आगे मंदिर है। अच्छा। और वहीं पे माता जी का बहुत मस्त मंदिर है और वहाँ पर एक गर्म गर्म पानी का जो कुंड होता है, कुंड कुंड वहाँ पर सब स्नान करने आते हैं। तो उनसे और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में अगर स्नान करने के बाद सारा मतलब जो है ना दर्द कष्ट सब मिट जाएगा, सब निकल जाता है, आप पवित्र हो जाते हैं। मंदिर का नाम क्या है कुछ पता है? नहीं, माता जी का ही मंदिर। नाम? हाँ, माता जी बस मंदिर है। अच्छा अच्छा। दुर्गे माता जी का कैसा रहा जर्नी एक्सपीरियंस? नहीं, मजा आया। और सर की वजह से मैं भी आज मेरा पहला व्लॉग बना रहा हूँ। सर ही ने हमको इंस्पायर किया है और सर के साथ, और सर ने इतने बहुत अच्छे से मतलब हमारी जो जर्नी का, मुझे भी सर लेके गए विस्टाडोम कोच में और पूरा वीडियो बनवाए, बोले कि बना, तो मैंने बोला मैंने भी बना लिया। फिर उसके बाद ये सब तो अपना प्यार है यार। हाँ, प्यार। और सर वाकई में जो लास्ट में बोल देना कि मैं प्यार करता हूँ आपसे, तो बोलने के लिए नहीं बोलते, वो वाकई में प्यार करते। कभी भी मिलोगे ना तो जान जाओगे। सर बहुत ही डाउन टू अर्थ है और सर को लाइक करो और जल्दी से जल्दी 1 मिलियन और 1 से 10 मिलियन जाने का है, 1 साल तक हो जाने चाहिए। चलो भाई, ठीक है, और सिग्नल हो गया अभी, तो हम सिग्नल हो चुका है, तो चलिए चलते हैं अंदर। ओके। अब हम लोग आ चुके हैं काला अम्बा रेलवे स्टेशन और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन तो भाई साहब डिले चल ही रही है। और आप स्टेशन देखिए, इतना छोटा सा स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत है और बारिश हो रही है बाहर, झमाझम बारिश।
अभी हम लोग आ चुके हैं डुगंडा रेलवे स्टेशन और यहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन तो भैया डिले तो चल ही रही है, लेकिन बाहर हो रही है मजेदार बारिश और बारिश में भींग के आपके लिए तो वीडियो क्लिप मैं बना रहा हूँ। मुझे तो मजा आ ही रहा है, आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको मजा आ रहा है। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वघई रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग पहुंचाई है 1 घंटा 10 मिनट डिले और टाके की आवाज़ आप सुन रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है सभी पैसेंजरों का लोकल के द्वारा। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी लाजवाब रहा। जी हाँ, इस रूट में आपको दोनों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी देखने को मिलेगी और साथ ही जर्नी के दौरान जो बारिश हो गया ना, तो भाई जर्नी का डबल आनंद आ गया। जो गुजरात से हैं वो एक बार इस हेरिटेज ट्रेन में ज़रूर विजिट करें, जो बाहर से हैं वो भी आके इस ट्रेन के थ्रू जर्नी करके ये ग्रीनरी का आनंद ले सकते हैं। मॉनसून सीजन में अगर आप जर्नी कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तब आपको ना डबल मज़ा आने वाला है। तो अगर मैं फेयर की बात करूँ तो मैं जर्नी कर रहा था विस्टाडोम कोच में, जिसका फेयर मुझे पड़ा 565 रुपीज़। अगर आप जनरल क्लास में जर्नी कीजिएगा मतलब सेकेंड सीटिंग में, तो आपको पड़ेगा 40 रुपीज़ भीलीमोड़ा से वघई तक। तो इस जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पटाखा सुनते रहें, सुन रहे हैं ना। तो मिलते हैं अगले जर्नी में। पटाखा की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरफ अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।